की बड़ी खबर के साथ तो महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के नाम पर मोहर लग गई है कि महाराष्ट्र के नए सीएम वही होंगे, यानी कि अब सिर्फ दावा पेश करना बाकी है और ये माना जा रहा है कि रविवार या फिर सोमवार को दावा भी पेश किया जा सकता है। अब से कुछ देर पहले तीनों ही दलों की मीटिंग चल रही थी और वो बैठक खत्म हो चुकी है, जिसके बाद शरद पवार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन गई है और सरकार बनाने का दावा पेश करने पर अब फैसला माना जा रहा है कि कल लिया जा सकता है। और खबरें इस तरीके की भी हैं कि तीनों ही पार्टियों की तरफ से कल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि एक दो दिन में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अब कम से कम ये क्लियर हो गया है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री होंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अब कम से कम ये क्लियर हो गया है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया है कि जो तस्वीर अभी तक अटकी हुई थी महाराष्ट्र की सरकार के गठन को लेकर वो साफ हो चुकी है। और पहले भी ये चीज सामने ऑफ रिकॉर्ड आ चुकी थी कि शनिवार को ही सारे जो विधायक हैं वो सिग्नेचर करके और फिर राज्यपाल के पास जाएंगे सरकार के गठन को लेकर। और बहुत लंबे समय से लगातार बैठकों का दौर था। आज शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के अहमद पटेल से लेकर तमाम सारे दिग्गज उसमें मौजूद रहे। और अब जब एनसीपी नेता शरद पवार ने बयान दे दिया कि उद्धव ठाकरे हमारे जो नेतृत्व की बात पर उन्होंने जवाब दिया कि नेतृत्व का कोई मसला नहीं है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बन चुकी है, तो ऐसे में अब वो समय आ गया जब पहली बार आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा। और ऐसे बाला साहेब ठाकरे हमेशा चाहते थे कि शिवसेना की अगुवाई में सरकार बने, तो वो समय आ गया। लेकिन फिर भी जब तक शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बयान नहीं आ जाता, क्योंकि इस तरह की बात भी आ रही थी कि वो नेता के तौर पे हमेशा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री क्या वो बनना चाहते हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे का भी नाम था कि अगर उद्धव नहीं बनते हैं तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है दिव्या कि उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति है, शिवसेना के मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से या उनके किसी जो है स्पोक्स पर्सन की तरफ से इस बात का बयान आ जाए कि उद्धव ठाकरे ही बन रहे हैं, वो एक मुद्दा अलग है। लेकिन यही कयास थे कि शायद उद्धव ठाकरे हमेशा नेता की भूमिका में रहना चाहते हैं, संगठन में रहना चाहते हैं, सरकार में वो नहीं रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है क्योंकि इस बार चीजें अलग है, इस बार सिनेरियो अलग है और इस बार जो बहुत लंबी प्यासी जो इच्छा थी वो पूरी होने जा रही है कि शिवसेना की अगुवाई में सरकार गठन ले रही है। और इस बार प्रतिष्ठा की भी लड़ाई थी, तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे इसको प्रतिष्ठा की लड़ाई को इस तरह से लेते हैं और उस जीत को इस तरह से लेकर सरकार में महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, ये कम से कम क्लियर हो गया है। दरअसल तीनों ही दलों की तरफ से एक बैठक रखी गई थी, वो बैठक समाप्त हुई और उसके बाद शरद पवार की तरफ से बयान दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।